अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल कीमा में सिवैयाँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली रेसिपी है और ईद के मौके पर ज़्यादातर सभी घरों में बनाई जाती है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 200 ग्राम हमने सिवैयाँ ली हैं, 50 ग्राम के करीब हमने मावा लिया है यानी खोया, और 15 से 20 हमने बादाम लिए कटे हुए, और ये थोड़ी सी किशमिश है आधे बाउल के करीब, आधा चम्मच है इलायची पाउडर, और 10 से 12 ये भिजते हैं इन्हें भी हमने काट लिया है। दो चुटकी ये फूड कलर लिया है हमने, और 15 से 20 काजू हैं कटे हुए, और ये थोड़ा सा नारियल है इसे हमने चाकू से काट लिया है, और ये 4 टेबल स्पून के करीब हमने देसी घी लिया है, 250 ग्राम हमने चीनी ली है, और 250 ग्राम ही हमें दूध की ज़रूरत है, और चीनी और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करें। तो चलिए सिवैयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और इस देसी घी में हम ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे, बादाम, नारियल, काजू और ये किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा खुशबू आने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो चुका है, किशमिश भी फूलने लगी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालते हैं तो सिवैयों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे, और इसमें ये सिवैयाँ फ्राई कर लेंगे। देखिए इन्हें आराम आराम से फ्राई करेंगे, टर्न करते जाएंगे वरना तो ये नीचे से जलने लगेंगी। हल्का हल्का सा सुनहरा होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए सिवैयाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए सिवैयाँ हमने प्लेट में रख ली हैं, अब इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे। और ये चीनी भी ऐड कर देंगे, और ये एक कप हमारा दूध था उसको भी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी मिक्स होने लगी है, अब इसमें ये फूड कलर भी डाल देंगे। ये फूड कलर जो है ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस फूड कलर को इसलिए डालते हैं ताकि देखने में अच्छी लगे सिवैयाँ, कलरफुल लगे। ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है, अब हम इसमें सिवैयाँ ऐड कर देंगे। और सिवैयों को अच्छे से मिलाएंगे, फ्लेम को लो कर देंगे इस वक्त। ये देखिए दूध के खुश्क होने तक हमें सिवैयों में चम्मच चलाते रहना है।
ये देखिए दूध खुश्क होने लगा है, फ्लेम को हम बिल्कुल कम ही रखेंगे। और अब सिवैयों को ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए सिवैयों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, सिवैयें एकदम गल गई हैं, अच्छे से टेंडर हो गई हैं। अब हम इसमें और इसमें जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ये मावा ऐड कर देंगे, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। और ये ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। और ये हमने पिस्ते लिए थे कटे हुए, थोड़े से ये भी ऐड कर देंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को एकदम कम ही रखेंगे। तो ये देखिए सिवैयों में हमने मावा और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। देखिए 2 मिनट तक हमने इन्हें दम कर लिया है और हमारी बहुत ही मज़ेदार किमामी सिवैयाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारी किमामी सिवैयाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप इन्हें इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।